हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वह है राजस्थानी मोठ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं और या फिर लंच में भी, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी मोठ। ये आप देख रहे हैं मोठ है मेरे पास। इसको हम भिगा के रख देंगे रात भर के लिए, और अगर इससे ज़्यादा आप भिगाएंगे तो इसमें और स्प्राउट्स के फॉर्म में, मतलब ये इसमें और लंबे हो जाएंगे, इसका साइज़ चेंज हो जाएगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसमें चाहें तो 2 दिन भी भिगा के रख सकते हैं, नहीं तो रात भर भिगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोठ के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट हमारे इस प्रकार से हैं: 2 कटे हुए प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, पुदीने की पत्तियाँ, नींबू का रस, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच ऑयल फ्राई करने के लिए, 1 पिंच हींग, 2 चम्मच आपके धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। अब आप देख रहे हैं कि हमने अपने मोठ को भिगो के मैंने रखा हुआ था और ये मेरे पास रेडी है भीगे हुए जो मोठ है। ये देखिए आप, ये भीग के बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। और अब हम इसे, यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है और अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल डालूंगी और इसके गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। ये ज़ीरा जैसे कि आप देख रहे हैं क्रैकल कर रहा है, तो तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद हम हींग डालेंगे 1/2 पिंच। उसके बाद हम जो स्प्राउट्स हैं जो मैंने भिगो के रखे थे उसको मैं इसमें डाल दूँगी और हम इसको अच्छे से चलाएंगे। आपके स्प्राउट अच्छे से तेल में हो चुके हैं, तो सबसे पहले इसमें हम 1/2 पिंच हल्दी डालेंगे, सॉरी 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और धनिया पाउडर आपका 1/2 चम्मच। धनिया पाउडर की मात्रा आप बाकी मसाले से थोड़ी ज़्यादा ही रखें, जैसे कि अगर आप 1 चम्मच मिर्च डाल रहे हैं तो आप 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालें। इसके बाद हम 1/2 गिलास पानी डाल के इसको चलाएंगे। आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी ग्रेवी हो गई है, और आप इस पानी को सुखाने के लिए 15 मिनट तक इसको हम ढक के बॉईल करेंगे। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और इनका जो पानी जो मैं इसमें डाला था वो बिल्कुल सूख चुका है। तो अब हमारे मोठ बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इसका नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अब हम एक गहरे पतीले में अपने स्प्राउट्स निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने स्प्राउट्स निकाल लिए हैं, और इसमें मैं सबसे पहले कटा हुआ प्याज डालूंगी। इसमें आप टमाटर डालेंगे, और इसको अच्छे से चला लेंगे आप, और इसमें नींबू का रस और कटी हुई हरी मिर्च हम डाल के तेज़ी से चलाएंगे। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। अब आप देख रहे हैं मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है।
इसको और अच्छा डिफाइन करने के लिए हम मिंट के लीव्स, जो पुदीना पत्ती है, हम उसको इसके ऊपर लगा लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये हो गई है और अब हमारे मोठ बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ, एक बार फिर से हाज़िर होंगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरे राजस्थानी मोठ को इन्जॉय कीजिए और बाय बाय।